हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्थ। और मैं हूं आपका दोस्त लखन चौधरी। आज मैं फिर से प्रेजेंट हूं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरोना वायरस के ऊपर। जी हाँ, आज हम कोरोना वायरस के ऊपर बात करने वाले हैं कि कोरोना वायरस है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, और ये फैलता कैसे है, और इससे होने वाले जो हार्मफुल परिणाम है वो क्या होते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। आइए देखते हैं। दोस्तों जैसे कि आज आप सभी जानते होंगे कि कोरोना वायरस से लगभग दुनिया के सभी देश उससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं, और इसने किस तरीके से एक पेंडेमिक रोल बनाया हुआ है, एक महामारी का रूप लिया हुआ है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कोरोना वायरस। देखिए दोस्तों, अभी कोरोना वायरस को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है चलते हुए, तो इसका जो हिस्ट्री बैकग्राउंड है वो इतना बड़ा है नहीं, शॉर्ट बैकग्राउंड है, और पिछले ही साल की बात है ये। तो हम बताते हैं कि दोस्तों कोरोना वायरस, जिसकी शुरुआत पिछले साल चाइना के वुहान सिटी की सी फूड और पोल्ट्री मार्केट से हुई थी, आज दुनिया भर के लगभग सभी देशों में ये बीमारी फैल चुकी है, और काफ़ी कंट्रीज़ में इससे होने वाली बीमार लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है कि वहाँ अब इसको कंट्रोल कर पाना ना के बराबर हो गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कोरोना वायरस है क्या, आखिर में ये कोरोना वायरस ऐसा क्या है जो इसमें ये इतना हार्मफुल है। दोस्तों कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो ह्यूमन संबंधी और भी जीवों के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि श्वसन तंत्र को, वो इतना ज़्यादा प्रभावित करता है, इतना ज़्यादा हार्म पहुंचाता है कि इसकी जो खतरनाक होने की जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर को। दोस्तों कोरोना वायरस का साइज ऑलमोस्ट 120 नैनोमीटर होता है। इस वायरल का कैप्सूल एक लिपिड बाइलेयर का बना होता है, जहाँ पे मेम्ब्रेन झिल्ली का जो कवर है वो इसको प्रोटेक्ट करता है, और इसी मेम्ब्रेन की वजह से ये सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। और इससे भी बड़ी बात, इसी झिल्ली में प्रोटीन के बने जो स्पाइक होते हैं वो मानव फेफड़े यानी कि ह्यूमन लंग्स के अंदर बने जालनुमा स्ट्रक्चर को अंदर पकड़ने में और उसको जकड़ने में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतना बखूबी से काम करते हैं जो इसके स्पाइक होते हैं प्रोटीन के बने हुए हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम ये फैलता कैसे हैं। दोस्तों कोरोना वायरस बहुत ही माइक्रो वायरस है, ये हम इंसानों के जो बाल है उसकी तुलना में 900 गुना छोटा होता है, जो हेयर होते हैं सर पे उसकी तुलना में भी 900 गुना छोटा होता है, लेकिन इसका असर और इन्फेक्शन इतना बड़ा है कि आज लगभग दुनिया के सभी छोटे बड़े देश इसकी चपेट में आ चुके हैं, और ये एक बहुत ही बड़ी महामारी बनकर दुनिया पर फिलहाल राज कर रहा है। दोस्तों कोरोना वायरस कहीं भी पहुंच सकता है जब तक इसकी राह में कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई बाधा ना आए। जब हम छींकते हैं या खांसते हैं तो उस टाइम हमारे मुंह या नाक से पानी की ड्रॉपलेट्स गिरती हैं। अगर ये किसी दूसरे पर्सन के ऊपर गिरती हैं और छींकने और खांसने वाला पर्सन कोरोना इन्फेक्टेड है तो दूसरा पर्सन भी उसकी चपेट में आ जाएगा, ख़ासतौर पर अगर उसने मास्क नहीं लगाया है तो, क्योंकि ये वायरस उन ड्रॉपलेट्स, जो पानी की ड्रॉपलेट्स होती है, उनके थ्रू दूसरे व्यक्ति की सांस लेने की क्रिया के साथ उसके मुंह या नाक से अंदर चला जाएगा। और दूसरा, जैसे आप सभी जानते होंगे कि हाथ मिलाने से और बाहर से आई किसी भी चीज़ को डायरेक्ट छूने से ये इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ऐसे ही बहुत सारे रीजंस होते हैं दोस्तों कोरोना वायरस के फैलने के, जिनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर शायद अभी नहीं बता पाएंगे। तो इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है ये वायरस। अब बात करते हैं ये शरीर में कैसे नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों ख़ास तौर पर पेंडेमिक कोरोना वायरस का नाम जो है वो SARS-CoV-2 है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड ही संक्रमण और लक्षण दिखाने के बीच का टाइम होता है। ये वो वक्त होता है जब वायरस इंसान के शरीर में स्टेबल हो जाता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि जम जाता है। बॉडी के अंदर जाने के बाद ये वायरस इंसान के लिए सांस लेने में तकलीफ पैदा करता है। इसका सबसे पहला हमला होता है गले के आसपास जितनी भी सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनको डैमेज करना।
इसके बाद सांस की नली और फेफड़े लंग्स पर हमला करता है। यहाँ ये एक तरह की कोरोना वायरस फैक्ट्री का निर्माण कर लेता है, यानी कि यहीं से ये अपनी संख्या को बढ़ाता है, डुप्लीकेशन करता है। और जो नए वायरस बनते रहते हैं वो बाकी की जो सेल्स होती हैं बॉडी की, ब्लड के अंदर, उन सभी पे हमला करने लग जाते हैं। शुरुआत से आप बीमार महसूस नहीं करते हैं, हालांकि कुछ लोगों में संक्रमण के शुरुआती वक्त से ही लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, बट कुछ लोगों में ये वायरस बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हुए भी बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। इस कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड भी लोगों में अलग अलग तरीके से हो सकता है। वैसे इसका जो औसतन, जो एवरेज जो इंक्यूबेशन टाइम बताया गया है, वो 5 days, 5 to 7 days बताया गया है।